यात्रा दिवस पावन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने तीन ऐसी बातें बताई हैं जो मनुष्यों के गिराने का कारण बनती और उनको नरक का रास्ता कहा है। त्रिविधम नरकश्चेदम द्वारम नाशदवात्मना, ये तीन प्रकार का जो काम है वो आत्मा को नाश करने वाला है और नरक का द्वार है। क्या कहा? काम क्रोधस्त तथा लोभ है, तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। सबसे पहला रास्ता काम का है। मनुष्य जितना जितना कामनाओं के पीछे घूमता है उतना उतना प्रवृत्ति उसकी बढ़ती रहती है, घटती रहती है। काम में, संसार में जो जो भी कामनाएं मनुष्य करता है वो समाप्त नहीं होती, कोई सोचता रहता है इदमद्य मया लब्धम इदम प्राप्ष्ये च मनोरथम इदमस्ति इदमेपि पुनर्भविष्यति धनम्। मैंने ये चीज आज प्राप्त कर ली है, इसको और प्राप्त कर लूंगा, ये धन मेरे पास है, ये धन और हो जाए। असो मया हतशत्रु अनिश्चय चापरान अपी, फलाड़ा शत्रु मैंने मार दिया है उसको और मार दूंगा, बस उसके बाद आज जो भी धनवान अस्मी पौन्योस्ती सदृशो मया, मैं ही सब प्रकार से पूज्य हूँ, मेरे समान और कौन है। यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानमि मोहिता, भगवान कहते हैं जो समझते हैं मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, ऐसा हो जाऊंगा, वैसे हो जाऊंगा, ये कामनाओं का विस्तार है। किंतु सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जो काम जिसको कहा गया है वो वासना भोग का नाम काम है। ये इतना बुरा दाल है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस पर काबू नहीं पा सकते। जिन लोगों को ये निश्चय हो गया हम काम विजयी हो गए हैं, ऋषि मुनि लोग, सिद्ध लोग, वशिष्ठ विश्वामित्र आदि बड़े बड़े ऊंचे समाधिस्थ रहने वाले योगी, एक बात मैंने दो तीन दिन पहले ही अपने भाषण में तुम्हें बताई थी, योग की संप्रज्ञात समाधि में जो प्रवेश कर जाते हैं उसकी दूसरी समाधि विचारानुगत समाधि ऐसी होती है जिसमें उस योगी के पतन का रास्ता रहता है। उससे आगे निकल जाए तो योगी पतन से परे हो जाए। अपने मन में हम एक बात सोचा करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, काम जयी बन गए, देवताओं ने उनके सामने अप्सराएं भेज दी और वहां जंगलों में जाकर के उन्होंने अपना नाच गाना आरंभ कर दिया, नृत्य करना आरंभ कर दिया और वो लोग भ्रष्ट हो गए, पतित हो गए, विलास में पड़ गए
और सारी शक्ति छीन छान करके वो अप्सराएं चली गई स्वर्ग लोक में। उनको भेजा ही इस काम के लिए जाता है कि वो आगे न बढ़ सके, स्वर्ग लोक पर कोई अधिकार न प्राप्त कर ले, इसलिए उन लोगों को भेजा जाया करता है। कामना भोग की वासना संसार में जो अन्न खाता है कि अंदर रहती है वो छुट्टी। गीता के दूसरे अध्याय के अंदर भगवान ने प्रमुखारविंद से ये शब्द कहे हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। जो मनुष्य भूखा रहता है उसकी विषय वास्ता हट जाती है, किंतु वासना तो हट जाती है किंतु उसको रस का ज्ञान रहता है। वो ये जानता है कि भोग में ये आनंद आता है। भूखा रहने के कारण प्रवृत्ति हो या न हो ये दूसरी बात है, किंतु भावना ये रहती है भोग में ये आनंद। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, जो व्यक्ति भूखा रहता है उसकी विषय वास्ता नष्ट हो जाती है, किंतु रस बना रहता है तो भोग का ज्ञान रहता है। अखिलात्मा कहते हैं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते, वो रस की जो भावना है उसकी वो भी परदर्शन की बात हट जाती है। परदर्शन वो स्थिति है जिसको भगवान पतंजलि देव ने योग दर्शन के प्रारंभिक दूसरे सूत्र के अंदर कह दिया, योगश्चित्तवृत्ति निरोध है, चित्तवृत्ति नाम नितराम रोध है योग, चित्तवृत्तियों का नितराम रोध अर्थात समूलोन्मूलन। चित्तवृत्तियां रहेंगी नहीं तो भोग भाव फिर होना ही क्या है, न रहेगा बांस न बजे की बांसुरी। वहां पर ये सवाल किया, चित्तवृत्ति नहीं रहेंगी उसका नाम योग है। वो कैसी स्थिति होती है, उस समय जीवात्मा क्या होता है? दूसरे सूत्र में इसका जवाब दिया, तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम, उसके बाद दृष्टु जो जीवात्मा है दृष्टा जो है उसकी स्वरूप स्थिति हो जाती, वो अपने असली रूप में आ जाता है। असली रूप उसका क्या है, जिसमें न मन रहता है न बुद्धि रहती न गुण धर्म रहती। असली रूप की कोई उपमा नहीं दे सकता। व्यास भाष्य में व्यास जी महाराज ने केवल एक बात कही है, सवाल किया रूप प्रतिष्ठा की दृष्टि, रूप प्रतिष्ठा किसको कहते हैं, केवल एक जवाब दिया कि तो शक्ति यथा कैवल्य, इस शक्ति जो जीवात्मा है जैसा कैवल्य में होता है। कैवल्य माने अकेले पर भी, योग दर्शन के सिद्धांतानुसार मुक्ति कैवल्य को ही कहा है, अकेले भाव में आ जाए। सत्पुरुषयोग शुद्धि साम्य कैवल्यम, जहां प्रकृति और पुरुष की बराबर शुद्धि हो जाती है। पुरुष अपने रूप में आ जाता है, प्रकृति अपने रूप में चली जाती है, तब कैवल्य होता है। कैवल्य माने अकेलापन। कहने का अभिप्राय ये, जातु कामा कामानाम भोगेन साम्यति अविशा कृष्ण वर्तवेव भूय भूयेवा अभिवर्धते।
मन में पैदा हुई हुई कामना कामनाओं के भोग से शांत नहीं होती, प्रत्युत आग में घी डालने पर जिस प्रकार आग भड़कती रहती है, जो जो मनुष्य भोग भोगता है उतनी उतनी कामना उसकी भड़कती रहती है। उस आग की शांति का कोई और उपाय नहीं, इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु काम है। काम ही सारी कामनाओं का सृजन करता है। कोई बिरला ब्रह्मचारी जो ऊर्ध्वरेतस हो जाए, ऊर्ध्वरेतस का अर्थ यह है नाभि मंडल से वीर्य का आकर्षण कर जो सारे शरीर में फैला दे, ऊपर ले जाए, ऐसा जो बिरला ब्रह्मचारी है वो कामदेही बन जाता है। या कामदेही वो बनता है जो विचारानुगत समाधि से आगे निकल जाए। विचारानुगत तो खतरे की जड़ है, उसमें तो स्वर्ग फर्क के लालच आ जाते हैं, लालच में आकर के मनुष्य उसको छोड़ बैठता है अपना। ये बातें होती हैं, बहकाने वाली बात नहीं। हमारे ब्रह्मचारी हरिभक्त चैतन्य यही पढ़े आजकल, वो पालेट बाबा के यहाँ रहते, उनको हमने तीव्रतम तपश्चर्या करने की आज्ञा दी और जंगलों में जाकर के उन्होंने तीव्रतम तप करना आरंभ किया। मैंने तुम्हें कई बार बतलाया है, स्वाध्याया दिष्ट देवता संप्रयोग है, ऋषयो मुनया सिद्धाश्चय स्वाध्याय शीलस्य दर्शनं गच्छन्ति कार्य चास्य वर्तन्ते। ऋषि लोग, मुनि लोग, देवता लोग स्वाध्याय शील के सामने जाया करते हैं, उसके काम किया करते हैं। हरिभक्त चैतन्य मुझे अपने अनुभव बतला रहे, पूछे नहीं, वो खुद ही मुझे बतलाते। वो जंगल में कहीं जा रहे थे, घूमते फिरते, वहां पर उन्होंने देखा एक बड़ा लंबा तड़ंगा एक आदमी पड़ा है वहां, और उसको घाव जैसे लगे हुए हैं। चैतन्य जी ने कहा कि महाराज आप कौन हैं? अतिव्रत दिखाई देता है, ये भौवे लटक के नीचे आ गई है, बाल बिल्कुल सफेद हैं, शरीर बड़ा लंबा तड़ंगा है। पूछा आप कौन हैं? ये घाव आपको कैसे लगे हुए? कहने लगा कि मैं कौरव पांडवों के समय में दुर्योधन की फौज का एक सिपाही हूं। ये मैं सिपाही हूं, लड़ाई समाप्त होने के बाद मुझे सिद्ध गुरु की संगति मिल गई, उसके फलस्वरूप मैं अमर हूं। उन्होंने कहा ये घाव क्यों लगे हुए? आप तो अमर हैं, शरीर को बदल भी सकते हैं, नया भी बना सकते हैं, तो घाव क्यों रखे? तो उसने एक बात कही, ये घाव इसलिए रखे हुए मैंने कि जब अर्जुन लड़ाई करता था उसके बाणों के घाव हैं, और श्री कृष्ण रथ पर बैठे हंसते रहते थे, घाव हमारे शरीर में लगते थे, श्री कृष्ण की याद के लिए मैं इन घावों को रखे हुए। चैतन्य जी ने पूछा श्री कृष्ण जी कैसे रहते थे? उन पर क्रोध तो कभी देखा ही नहीं, वो तो हंसते रहते। उसके बाद चेतन जी को दूसरी अनुभूति हुई, नियम से कंट्रोल से बैठे थे, स्थिति बढ़ गई, विचारण गुप्ता समाधि से आगे निकले, देव कन्या आ गई, वहां स्नान करने लगी,
दान करके पहले तो अपना अभिनय दिखाया, नाटक वो दिखाया कि ताकि उनकी शक्लों को देख करके आदमी उन पर मोहित हो जाए और अपने आप उनके पास पहुंच जाए, तुम कौन हो, कैसे आई हो, प्यार करने लगे। तो चेतन जी पर उनके नाटक का वो करती रही हूं कुछ प्रभाव विशेष पड़ा नहीं पड़ा तो कहने लगी, क्या आप हमें पहचानते नहीं है? कहा है पहचानता हूं, हमारी इच्छा है आप हमसे शादी कर लें। कहेंगे हाँ शादी कर लूंगा मैं, किंतु तुम बनी रहोगी इसी तरह कि नहीं स्वर्ग लोक को चलना पड़ेगा, फिर जितने दिन का पुण्य है उतने दिन हमारे साथ रहोगे। बात स्पष्ट बता दी। केतन जी बताते थे, मैंने इनकार कर दिया, उसके बाद वो आकाश में उड़ गई ऊपर। तो पहली बात भगवान ने बतलाई, मनुष्य को बिल्कुल गर्त करने वाला जो रास्ता है वो काम का है। कामना बद्ध जो रहता है उसका पतन हो जाता है। बड़े बड़े ऊंचे योगी भी जो कामना में ग्रस्त रहे वो यथार्थता को नहीं पा सके। और एक बात जरूर याद रख लो, ये कामना विचारानुगत समाधि में ही जोर देती है मनुष्य में, और देवता कराते हैं ताकि योग दर्शन गवाही देता है इस बात को। ध्यान निमंत्रण संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ठ प्रसंगात। ध्यानिनी लोग, लोकाभिमानी, लोकाधिपति देवता लोग जब योगी का निमंत्रण करें तो उनकी बात को न माने और न अहंकार करे, गुस्सा भी नहीं करें, ये भी न करें ओ तो मैं देवताओं का पूज्य हूं, क्या देवता मेरी खुशामन करते हैं, क्या मैं, ये भी नहीं करना चाहिए। तीन नरक के द्वार बतलाए, एक तो ये बतलाया काम, और दूसरा बतलाया क्रोध। काम क्रोधस्तथा लोभ है, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। काम का विस्तार मैंने बतला दिया, फिर है क्रोध का विस्तार। योगी, सिद्ध योगी क्या करते हैं? अरे यीशु शुक्ला के बच्चे ने सारी चीज भुगोदी, इतनी खाली क्या पूजा करता है तू कि पानी डाल दिया एक लोटा खींच करके। हाँ प्रणाम, ये क्या प्रणाम, चित्र भी भीग गए दोनों, अच्छा तुम पर बैठ जा। दूसरी चीज क्रोध, तीसरी चीज लोभ। काम ऐश क्रोध ऐश है, रजोगुण शब्द हो गए। काम क्रोधस्था लोभ है तस्वादित्रय जी। फिर क्रोध का नंबर आता है, एक बार मनुष्य क्रोध करता है, क्रोध के द्वारा उसकी आत्मिक स्थिति तत्काल निकल जाती, दूसरे का अनिष्ट तो हो जाता है, उसकी आत्मशक्ति एक बार मुख से निकला किसी के लिए शाप फलीभूत हो जाता है, उसको भोगना पड़ेगा, किंतु वो भी खाली हो जाता है। जितनी ताकत उसने संचय की बस शाप दिया निकल गई, शाप दिया निकल, शाप दिया निकल। क्रोध में मनुष्य जिसके प्रति जो भावना करता है, यदि वो योगी है आत्मवान है क्या पुष्प लग जाएगा अगले पर, क्योंकि उसके मन में ताकत है, वो तो पत्थर मार सकता है।
ताप लगेगा, बस उसका पुण्य क्षीण हो जाएगा। कामना करेगा तो भोग से पुण्य क्षीण हो जाएगा, क्रोध करेगा तो उसका क्रोध से पुण्य क्षीण हो जाएगा। इसलिए सिद्ध लोग क्या करते हैं, जंगलों में ले जाकर के हिमालय के अंदर निर्बीज समाधि के अंदर बैठा देते हैं, वृत्ति नीचे बनी रहती है, बरसात का समय नहीं आने पाता। यदि कोई बरसात के दबेले पड़ेगा चक्कर लगा रहेगा जन्म मरण का, शाप में एक बार शाप देगा शक्ति सारी निकल जाएगी। जिसके अंदर जितना आत्मा उत्थान हो जाए, थोड़ी देर के लिए तुम्हारा ध्यान लगता है और ध्यानावस्था में किसी पर क्रोध कर लिया तो ध्यान की ताकत खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े सिद्ध लोग भी जो साफ छुप देते हैं उनकी भी शक्ति क्षीण हो जाती है और जन्म मरण के चक्कर के अंदर रहा करते। तो इसलिए दो बात, दूसरी तीसरी बात रही लोभ की। लोभ की भावना बनी रहती है, हर मनुष्य में बनी रहती है, तुम में भी बनी रहती है, मेरे में भी बनी रहती है। मनुष्य ये सोचता रहता है ये मिल गया ये और मिल जाए। हमारे आश्रम के विस्तार के लिए कितनी जमीन मिली है, इससे चौगुनी मिलनी चाहिए थी, 10 टेंट और लगने चाहिए थे, हमारे तो बहुत सत्संगी हैं, आएंगे ठहरेंगे, ऐसा होना चाहिए, यहाँ भंडारे चलने चाहिए, ये और इतना ये पैसा इतना आ गया इसको संभाल कर रखेंगे। वो लालच वाली बात जो है उसको लोभ कहते हैं। जो व्यक्ति अपने मन के अंदर ये रखता है, चलो आया है पैसा ये खर्च करना ही करना, ये लगाना है, लालच वाली भावना मन के अंदर नहीं रहती तो उसके बंधन का कारण नहीं रहता। इसका अर्थ ये नहीं कि नोट जेब में तुमको फाड़ के फेंक दे, ये अर्थ नहीं है। खर्च तो करे, उनको सत्कर्म में खर्च करे, लालच वाली भावना मन के अंदर उत्सित भावना न रहे। चाहे अगला आदमी मरता हो और पैसा जेब में है, अरे मरेगा तो मर जाएगा, मैं अपना पैसा क्यों खर्चूं भाई, मेरा पैसा मेरे काम में आएगा। एक बार एक जगह गए हमने, हमें एक आदमी ने निमंत्रण किया, हमारा गांव का आदमी था, लाखों का मालिक था, आजकल तो कलकत्ते में है, करोड़ों का मालिक बन गया हुआ, और ज्यादा हो गया। किंतु भोजन करने के लिए गए, ऐसा भोजन बनवाया तो कोई गरीब से गरीब भी न बनाए। पैसे तो हम घरों के अंदर पक्का भोजन करते हैं, पूरी वगैरह कच्चा तो करते नहीं, वो तो हमारे डीएम से चलते हैं पुराने, बनाया तो उसने पक्का ही, किंतु कैसा बनाया, पानी पानी चमकता था, बस जरा बहुत वैसी। अब तू ज्यादा बात कहूं कहने की कोई बात नहीं, इसलिए तो क्या था, संपत्ति का लोभ, ज्यादा घी लगा दो पैसे खर्च नहीं हो जाएंगे, फिर और घी बोल देना पड़ेगा, पैसे तो रखे रहने चाहिए, खर्च नहीं होने चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति जो हैं जमा खाते में रखने वाले, फिर बाद में वो जमा ही रह जाते हैं, खाली चले जाते हैं, उनके भाग्य में ऐसा ही सूखा फूका खाना लिखा रहता है, पैसे जमा खाते में रहते हैं और वो अपना आगे चल देते हैं। फिर टाइम आ जाता है, टाइम पर जाना पड़ता है, उनके बेटे खाएं पोते खाएं कोई भी खाएं, चले जाते। इसलिए
त्रिविधम नरकश्चेदम द्वारम नाशनमात्मन आत्मने अखिलात्मा त्रिजगत पावन मेरे मेरे तुम्हारे सबके प्राणों में वास करने वाले कृष्ण ये बात कहते हैं कि तीन रास्ते दरक के हैं, काम क्रोध तथा लोभ है, तस्माद एतत् त्रयं त्यजेत्। इन तीनों को आदमी छोड़ दे, गुस्सा भी न करे किसी पर और कामना भी न करे और लालच के फंदे में पड़ा रहे, जो पैसा जितना करना है खर्च उस प्रकार करे, यू न हो करे। अरे हम भूखे रह लेंगे तो क्या है, पैसा तो रखा रहेगा, ये घर में बीमार पड़ी पड़ी रहेगी, क्या है पैसा तो बचा रहेगा, ये बच्चा बीमार पड़ा रहेगा या मरेगा तो मर जाएगा, पैसा तो रह जाएगा। वो लोग जो है इस प्रकार का लालच खतरनाक होता है। विविधम नरकस्य द्वारम, तीन प्रकार का रास्ता ये नरक द्वार का बतलाया है। आगे आज्ञा है, लोक के चंद्रमा की आज्ञा है, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजे, इन तीनों को छोड़ दे, बस छोड़ देना और अपना अभ्यास नियम से करो, अपने गुरु मंत्र का जाप करो, ध्यान में रोज बैठो। इलाहाबाद में यहाँ पर पुण्य बढ़ता है जो बैठता है, इलाहाबाद में स्नान करने आए ना, कुंभ सब कुंभ में स्नान करने की इच्छा कर रही है, क्यों, उसको पुण्य मिलेगा बहुत सा और इस क्षेत्र में रहने का भी पुण्य मिलेगा। ये इलाहाबाद क्षेत्र है, इसमें जो जितना भजन कर लेगा वो रेख पर रेख लगवाएगा, वो संसार सागर से पार करने की कमाई कर लेगा। इसलिए काम क्रोध लोभों को छोड़ करके खूब अभ्यास में बैठो और अपने आप को क्रियाशील बढ़ा करके समाधि को प्राप्त करो। ये प्रभु जी के चरणों को याद करके, उनको प्रणाम करके अपने अभ्यास में बैठ जाते, उनकी कृपा बरसती रहेगी, शक्ति मिलती रहेगी, निहाल हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे। आशीर्वाद।